ultimate solution to fight the climate change. Many people told me that you are too young to get involved in such activism. आपको पता है कि मेरा नाम लिसे प्रिया है, मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल में ग्रेड 5D में पढ़ती हूँ। मेरी हॉबीज आर्ट, ड्राइंग, डूइंग क्राफ्टी थिंग्स और रीडिंग बुक्स, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड पेड़ उगाना ऑफ कोर्स, और लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करना, अवेयरनेस देना, तो ये सब मेरी हॉबीज है। और मुझे कुकिंग भी पसंद है। I have grown up in Bhubaneswar, Odisha because of my schooling. मेरे घर उड़ीसा में ना साइक्लोन टिटली आया 2018 में, और फिर से साइक्लोन फानी आया 2019 में। उन दो साइक्लोन की वजह से बहुत सारे घर है ना डिवास्टेटेड हो गए, खराब हो गए। तो उन सबको देख के ना मुझे बहुत सैड फीलिंग हुआ और वरिड जैसा कुछ आया मेरे दिमाग में। उस इंसिडेंट के बाद मैं दिल्ली में आ गई। जो मैंने एनवायरमेंटल इश्यूज मैंने फेस किए, उन सब को मैंने फेस करते हुए मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे कुछ करना चाहिए इस वक्त, वरना आवर प्लैनेट इज गोइंग टू डाई सून। पहले दिन मैं सपोर्ट नहीं है, अरे मेरा अभी भी सपोर्ट किया है, अरे पढ़ाई के लिए बहुत चिंता किया है। मम्मी ना मेरी जैसे एजुकेशन, मेरी स्टडी, मेरी फ्यूचर करियर की वजह से वो मेरी चिंता होती, तो ना उन्हें लगा कि मैं क्लाइमेट एक्टिविज्म में चली जाऊंगी। लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बैलेंस रखूँगी इक्वली, और मैंने वो प्रॉमिस कैप्ट की और अभी भी मैं कर रही हूँ। चाइल्ड मूवमेंट एक मूवमेंट है, वो एक चिल्ड्रन मूवमेंट है। आप चाइल्ड मूवमेंट को बचपन आंदोलन को भी कह सकते हो हिंदी में। बच्चों को भी हम मोटिवेट, इंस्पायर करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि हमें प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, जितना हो सके उतना ही। मेरी 3 डिमांड्स है, तो फर्स्ट ना क्लाइमेट चेंज लॉ पास करने का, सेकंड ना हमें ना क्लाइमेट एजुकेशन मैंडेटरी चाहिए, और थर्ड ना मिनिमम 10 ट्रीज हमें प्लांट करना चाहिए, जैसे एवरी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड एंड आल्सो इन द इंडिया। प्लास्टिक मनी शॉप इज वन ऑफ माई इनिशिएटिव, और ये ना प्लास्टिक पोल्यूशन की ना एक अवेयरनेस, एक मैसेज देना चाहती है लोगों को कि वो रिड्यूस करें प्लास्टिक कंजप्शन को और गार्बेज को। हमें ना कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, और या हम रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं। मुझे वही मैसेज देना है अपनी ये इनिशिएटिव प्लास्टिक मनी शॉप से। The best part of it is that she has taken this voice beyond her home. She is motivating us, and everyone should take inspiration from her. जो मेरी जनरेशन के बच्चे हैं, मैं बस उनको मैसेज देना चाहती हूँ, अपने माइंड में ना बस यही याद करो कि एवरी चाइल्ड कैन बी द चेंज एंड ऑल आवर लिटिल थिंग्स कैन मेक अ ह्यूज ह्यूज बिग डिफरेंस।